नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुंद कुलकर्णी और मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड कन्वर्जेंस। मेजरमेंट सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी काम का मूल्यांकन या फिर उसका क्वांटिटी एनालिसिस नहीं होता। तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहले एक परिमाण की जरूरत होती है, और परिमाण मतलब यूनिट, अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स होता है, और ये यूनिट्स स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। अभी ये यूनिट्स अलग अलग होने की वजह से इसका कन्वर्जन की जानकारी होना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे अलग अलग यूनिट का क्वांटिटी का हम लोगों का कन्वर्ट करना है, तो यूनिट का कन्वर्जन का रेशो क्या है, तो उसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक बेसिक यूनिट्स और उसका कन्वर्जन, उसके बारे में है। अभी मैं इधर कुछ बेसिक मेजरमेंट के फैक्टर्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उम्मीद है कि ये आपको जरूर समझ में आएगा और बहुत उपयोगी भी होगा। सबसे पहले लेंथ, उसके बाद एरिया, उसके बाद है वॉल्यूम, और उसके बाद है वेट। ये चार मेजर फैक्टर्स है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ। लेंथ कौन कौन से यूनिट में कैलकुलेशन किए जाते हैं या फिर मेजर किए जाते हैं। सबसे पहला है मिलीमीटर, शॉर्ट में हम एमएम बोलते हैं। उसके बाद है सेंटीमीटर, सीएम बोलते हैं। उसके बाद इंच, उसके बाद फुट या फीट, उसके बाद है मीटर, उसके बाद है यार्ड, उसके बाद है माइल, उसके बाद है किलोमीटर। अभी हम देखेंगे इसका कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन का फैक्टर क्या क्या होता है। सबसे पहले एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये ध्यान रखिए, एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एक इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 मिलीमीटर। एक इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 मिलीमीटर। एक फीट इज इक्वल टू 12 इंच, एक फीट इज इक्वल टू 12 इंच। एक फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर। एक फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर। ये जो बेसिक है, ये आप अपना कोई भी स्केल देखिए एक फीट का, उस स्केल पे भी या फिर मेजरिंग टेप में भी आपको ये देखेंगे तो पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। एक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। एक मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, मतलब एक मीटर में 3.28 फीट होते हैं। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एक किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एक किलोमीटर में 0.621 माइल्स होते हैं। एक किलोमीटर में 0.621 माइल्स। एक माइल में 1609.34 मीटर होते हैं या फिर 1.609 किलोमीटर होते हैं। एक माइल में 1609.34 मीटर या फिर 1.609 किलोमीटर। एक माइल में 5280 फीट होते हैं। एक माइल में 5280 फीट होते हैं। एक यार्ड में 0.914 मीटर होते हैं। एक यार्ड में 0.914 मीटर होते हैं। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, मतलब 36 इंच होते हैं। ये देखिए, एक यार्ड में 3 फीट मतलब 36 इंच होते हैं। अभी हम एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉलोइंग यूनिट अलग अलग यूनिट है वो देखेंगे। पहला है स्क्वायर फीट, उसके बाद है स्क्वायर मीटर, उसके बाद है ब्रास, उसके बाद है एकर, उसके बाद है हेक्टर, उसके बाद है स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद है स्क्वायर माइल। अभी हम इसका कन्वर्जन देखेंगे। एक स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर इंच, ये ध्यान में रखिए। एक स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 144 स्क्वायर इंच, मतलब एक फीट में 12 इंच होता है, तो स्क्वायर फीट में 12 × 12 144 स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू
10.764 स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट, मतलब 3.28 इंटू 3.28, 10.764। एक ब्रास इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट, ब्रास मतलब 10 फीट बाय 10 फीट का एरिया कंसिडर करते हैं, एक ब्रास इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट, एक गुंटा इज इक्वल टू 1089 स्क्वायर फीट, एक गुंटा इज इक्वल टू 1089 स्क्वायर फीट, एक एकर इज इक्वल टू 40 गुंटा, एक एकर इज इक्वल टू 40 गुंटा, एक एकर इज इक्वल टू 4047 स्क्वायर मीटर या फिर 43,560 स्क्वायर फीट, एक हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकर और 10,000 स्क्वायर मीटर, मतलब एक हेक्टेयर में 2.47 एकर आता है और 10,000 स्क्वायर मीटर आता है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टर्स आता है, एक स्क्वायर मीटर में 100 हेक्टर्स आता है और एक स्क्वायर माइल में 640 एकर आते हैं, एक स्क्वायर माइल में 640 एकर आते हैं। अभी वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम फॉलोइंग यूनिट्स मतलब अलग अलग कौन से यूनिट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन से यूनिट्स से मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला है क्यूबिक फीट, उसके बाद है ब्रास, उसके बाद है क्यूबिक मीटर और उसके बाद है लीटर। अभी इसका कन्वर्जन देखेंगे, वॉल्यूम का कन्वर्जन, एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फीट, जैसे मतलब एक जैसे हमने देखा एक फीट इज इक्वल टू 3.28 फीट, वैसे एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3.28 35.28 क्यूबिक फीट, एक क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 1728 क्यूबिक इंच, एक क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 1728 क्यूबिक इंच। एक ब्रास, एक ब्रास यहाँ कंसिडर कैसे करते हैं, 10 फीट बाय 10 फीट बाय 1 फीट का एक ब्रास होता है इज इक्वल टू 2.83 क्यूबिक मीटर, मतलब एक ब्रास इज इक्वल टू 2.83 क्यूबिक मीटर। जैसे कैसे निकालते हैं, एक ब्रास इज इक्वल टू 3.048 इंटू 3.048 इंटू 0.3048, मतलब 2.83 क्यूबिक मीटर। ये देखिए सेम 10 फीट 10 फीट 1 फीट 3.048 इंटू 3.048 इंटू 0.3048 इज इक्वल टू 2.83 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, एक लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, एक लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और ml बोलते हैं इसको। इसके बाद वेट के बारे में बात करेंगे, वेट किसी यूनिट से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है ग्राम, उसके बाद है किलोग्राम, उसके बाद है क्विंटल, उसके बाद है मेट्रिक टन, उसके बाद है किलो न्यूटन और उसके बाद है पाउंड्स। तो ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, मेट्रिक टन और किलो न्यूटन और पाउंड्स। अभी इसका हम कन्वर्जन देखेंगे, सबसे पहला एक किलो न्यूटन इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, एक किलो न्यूटन इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, एक क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, एक क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, एक मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, एक मेट्रिक टन मतलब 1000 किलो, एक पाउंड इज इक्वल टू 450 ग्राम, एक पाउंड इज इक्वल टू 450 ग्राम, एक किलोग्राम इज इक्वल टू 2.20 पाउंड्स, एक किलोग्राम इज इक्वल टू 2.20 पाउंड्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल और मेरे वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।